अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो पहली बात तो आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था जो कि अभी फिलहाल सस्पेंड चल रहा है बारिश की वजह से। पता नहीं उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। खैर ब्लॉग उसके बारे में था नहीं, ब्लॉग किसके बारे में था सिनान बताएगा। सिनान ब्लॉग किसके बारे में तो मुझे नहीं पता। नहीं किसके बारे में नहीं पता आपको? नहीं ना आपको पता है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। थोड़ा सा पता चला है कि एक साल कुछ वो सीन है। क्या सीन है? ये मेरे ख्याल से एक साल पूरा हुआ इसका मुझे। अच्छा एक साल किस बर्थडे हाँ दवा तो हैप्पी बर्थडे। हाँ तो कैसा है कि आज है 2 सितंबर, टाइम हो रहा है 11:44, 3 को है बर्थडे मेरी। तो कुछ तो कर नहीं रहे, पाकिस्तान का मैच था, बाहर वगैरह गए नहीं, इधर ही हमने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे। अब देखते हैं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बर्थडे व्लॉग है तो चलो आज के लिए तो सिर्फ इधर रूम में सेलिब्रेशन करते हैं, फिर कल देखते हैं कि क्या होगा। तो लेट्स सी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया बस ठीक है। अच्छा तो कल का हमारा यही प्लान था कि मैच देखेंगे, इधर पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। वो मजा तो सारा खराब हो गया बारिश की वजह से, वो मैच डिले हो गया और फिर उसके बाद सस्पेंड हो गया, तो मैच को ड्रॉ कर दिया गया। लेकिन खैर शाहीन के एक दो गिफ्ट मिले हमें और उसके अलावा भी एक दो गिफ्ट मिले हैं, तो चलो वो देखते हैं कैसे हैं। पहला वाला है स्मार्ट वॉच, ये है गिफ्ट। ये खोलते हैं कि इसमें अभी और क्या क्या है। तो ये है इसका चार्जर। हाँ ये है इसका चार्जर, ऐसे साथ में मिल रहे हैं दो स्ट्रिप, एक चैन का। हाँ ये भी जबरदस्त है यार, और साथ में एक रबर वाला। साथ में एक मेन्यू पड़ा हुआ है जो लो एक नज़र देख लेते हैं। आधा चाइनीज में, अच्छा हाँ एक साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक साइड पे चाइनीज में लिखा हुआ। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट, इसको अभी बनाते हैं और इंशाल्लाह फिर पहन के देखते हैं कि कैसा है। एक और जो गिफ्ट हमें मिला वो है ज़बरदस्त, एक और जो गिफ्ट हमें मिला वो है ग्लासेस। यार ये मुझे बहुत पसंद है, वैसे मजे की हैं, साफ करके देखते हैं। हाँ ये एक और गिफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और पैकिंग वगैरह भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। एक और चीज़ जो हमें मिली वो है परफ्यूम, ब्लैक नाइट ये वाला। तो ये भी ओपन करके ज़बरदस्त यार, कैसे हैं सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त। तो ये कुछ गिफ्ट थे जो कल मिले। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट जिसने भी दिए, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तैयार होते हैं, साथ में ये गिफ्ट इंशाल्लाह लेके जाएंगे बाहर घूमते हैं। तो तैयार तो हो गए, आ गए इधर हयून बीच, बाली लेक हयून बीच। इनका एक आर्टिफिशियल बीच इन्होंने इधर बनाया हुआ है, साथ में वो सामने लेक है, इधर इन्होंने आर्टिफिशियल बीच बनाया हुआ है। तो
ऐसे लोग वीकेंड्स पे आते हैं बहुत ज़्यादा, अभी भी उस पर इधर बहुत ज़्यादा रश होने लगेगा थोड़ी देर बाद। उधर उन्होंने वो प्लास्टिक के वो चीज़ें रखे हुए हैं बच्चों के लिए इधर खेलने के, इधर साइड पे पार्क्स और खेलने की बहुत सारी जगह हैं, तो इंशाल्लाह जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, यहाँ पे स्पेशली इस वजह से आए कि यहाँ पे फ़िश मिलते हैं, तो फ़िश खाने आए क्योंकि बहुत दिन हो गए पाकिस्तान से जब से आए, तो कोई ख़ास खुराक मतलब हमने खाया नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे फ़िश मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर बाद में वो भी कहेंगे, लेकिन पहले ये जगह एक्सप्लोर करते हैं। इधर चलते हैं, ये जगह एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इधर। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को है, लेकिन अभी लाइट है तो उधर चलते हैं, फिर जब अंधेरा हो जाएगा फिर उस जगह का मज़ा नहीं आएगा। ये है वो बीच इन्होंने बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल टाइप बीच बनाया हुआ है इन्होंने, सामने वो बाली लेक है इधर, इसका ये बीच बनाया हुआ है इन्होंने, बच्चे वीकेंड्स पे आते हैं फैमिलीज़ के साथ और इन्जॉय करते हैं। वहाँ पर एक स्टेज बनाया हुआ है जहाँ पर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ है करने को, लेकिन फ़िलहाल जाते हैं उधर एक बोट राइड लेते हैं, वो जगह देखते हैं, फिर उधर अंधेरा हो जाएगा फिर उस जगह का मज़ा नहीं आएगा, तो पहले वो देखते हैं फिर इंशाल्लाह बात। तो बोटिंग के लिए कार्ड मिल गई, अब चलते हैं उधर बोट लेते हैं वहाँ से, वहाँ पे होगा शायद, हाँ, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं बोटिंग इधर। इधर अगर बंदा डूब जाए तो फिर मेरे पास है एक बड़ा स्किलफुल स्विमर है मेरे पास, जो सब कैमरे पर है वो बचा लेगा। तो बोट राइड के बाद हम गए उधर, फिश खाया और बाकी पार्क वगैरह एंजॉय किया उधर, घूमे और वो सारा कुछ हमने देखा, लेकिन मेरे मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो गया था तो उस वजह से मैंने वीडियोस वगैरह बनाई नहीं। खैर, ये तक यहाँ तक था ये बर्थडे का व्लॉग, जिसने भी विश किया सबको थैंक यू सो मच, जिसने गिफ्ट दिए उनको भी थैंक यू सो मच, मुझे गिफ्ट वगैरह बहुत अच्छे लगे, और जो इधर बर्थडे में आए इधर सेलिब्रेशन करने आए उनके लिए भी थैंक यू सो मच। ये तो सारे मेरे दोस्त आते हैं और साथ में हमने सेलिब्रेट किया, तो उस चीज़ के लिए भी तो सारे गिफ्ट्स और हर चीज़ के लिए विशेस के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद कल है हमारा फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।